दोस्तों अगर आपको भी रोहित शर्मा का ये अंदाज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं क्या गेंदबाज को हर अपील पर DRS मिलना चाहिए या नहीं। हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको बता रहे हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन एक ऐसा वाक्य हुआ जिसमें रोहित शर्मा मोहम्मद शमी से ट्रस्ट करने पर बहुत बार बचते हुए नजर आए। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन एक बार मोहम्मद शमी की जोरदार अपील पर भारत का रिव्यू बेकार चला गया, लेकिन दूसरी बार जब रिव्यू लेने की बारी आई और गेंदबाज साफ आउट दिखता हुआ नजर आ रहा था तो रोहित शर्मा ने रिव्यू लेने से पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में मोहम्मद शमी ने उनको रिव्यू लेने पर मजबूर कर दिया। विकेट कीपर और स्लिप पर खड़े विराट कोहली भी रोहित शर्मा को समझाते हुए नजर आए कि ले लीजिए, लेकिन रोहित शर्मा मोहम्मद शमी से पूछ रहे थे कि पिछली बार की तरीके से इस बार भी ये रिव्यू बेकार ना हो जाए। गेंद की हाइट काफ़ी लग रही थी, लेकिन सभी के कहने के बाद और मोहम्मद शमी के फोर्स करने के बाद रोहित शर्मा ने ये DRS ले लिया और भारत को एक और शानदार विकेट मिल गया। हालांकि इस DRS के बाद मोहम्मद शमी ने भी एक लंबी सांस ली होगी, क्योंकि पहले जो उन्होंने DRS लिया था उसमें साफ इनसाइड एज था और जिसके बाद रोहित शर्मा उन पर काफ़ी गुस्सा भी दिखे थे, लेकिन दूसरे DRS ने उनका काम कर दिया और भारत को एक और विकेट मिल गया। अगर आपको भी ये वाक्य पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कॉमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें कि गेंदबाज को बार बार DRS मिलना चाहिए या नहीं।